बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 में आज हम पंक्चुएशन सीखेंगे। तो आज देख रहे हैं पंक्चुएशन क्या है। ये रहा लेक्चर नंबर 7 पंक्चुएशन। अब फॉलोइंग स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन शॉर्ट हैंड। तो ये बहुत ही आसान है पंक्चुएशन। ये हम इंग्लिश में हम अगर कोई फुल स्टॉप लगाते हैं तो आखिर में एंड में जो होता है वो डॉट लगाते हैं। इसके बरक अगर हम शॉर्ट हैंड में कोई फुल स्टॉप आता है तो उसको हम कैंसिल की सूरत में लिखते हैं। ये कैंसिल है, इसको हम फुल स्टॉप कहेंगे। ये देखें फुल स्टॉप। अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में भी क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखते हैं, उसके एंड में कैंसिल का निशान लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में भी ऐसे लिखते हैं, एंड में कैंसिल का निशान। ये एक्सप्लेनेशन की निशानी है। ये मार्क्स निशान है, निशानियाँ हैं जो हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंग्लिश में हाइपन ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में भी हाइपन ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में डैश ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में डैश ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में ब्रैकेट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड में भी ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, बस इसको उन्हों के ऊपर से कैंसिल लगा देते हैं। यही है आज का मेरा लेक्चर। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सप्लेनेशन, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस। सही है, उम्मीद है या आप मेरा लेक्चर समझ गए होंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। यह आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। अल्लाह हाफिज़।